हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ग्रामर। ग्रामर में आज हम क्या करेंगे, वन एंड मेनी। सम वर्ड्स नेम ओनली वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सम वर्ड्स नेम मेनी पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज को बताना है तो वी विल से बॉय। अगर हमें बहुत सारी चीज को बताना है कि हमारे पास इतने सारे बुक्स है तो वी विल एड एस। जो भी अगर समझो आपका कोई फ्रेंड है और वहां पे वो खड़ा है और यू डोंट नो एनीवन एंड यू विल से देयर इज अ बॉय। तो अगर वहां पे एक ही जन है तो वी विल से बॉय। जब वहां पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मोर देन 2, 3, 4, 5, तो उसे हम बोलेंगे बॉयज। वी विल एड देयर एस, लास्ट में हम एस एड करेंगे तो इंडिकेट करेगा कि वहां पे बहुत सारे बॉयज थे। अभी बर्ड, अभी स्काई में बर्ड, सिंगल ही बर्ड उड़ रही है तो हम वी विल से देयर इज अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री। जब उसी ट्री पे बहुत सारे बर्ड आ जाएंगे तो हम बर्ड जो BIRD बर्ड की स्पेलिंग है उसमें लास्ट में लगा देंगे एस। तो वो एस वो क्या बन जाएगा, बर्ड। तो वो इंडिकेट करता है कि उस ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स थे। अभी टाउन, तो वहां पे अभी हमने एस लगाया तो क्या हो जाएगा, वो टाउन्स, मतलब बहुत सारे टाउन्स है। और फ्लावर, और उसमें अगर हमने एस लगाए तो बन जाएगा कि हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स है। फ्लावर दैट गोज टू वन, और फ्लावर्स जब हमने एस लगाते तो हो जाएगा मेनी। नाउ एक्सरसाइज, राइट वर्ड इन द ब्लैंक टू शो मेनी, जस्ट एड एस टू द गिवन वर्ड। हमें मेनी बताना है, बहुत क्वांटिटी बताना है कि बहुत सारा है। तो हमने क्या सीखा है, अगर हमें बहुत सारा बताना है तो हम लास्ट में ऐड करेंगे एस। तो बुक है, तो देखो एक करके बताया है, तीन बुक है मतलब बहुत बुक हो गई, तो वहां पे एस लगाया है। स्टार है तो अभी दूसरे साइड पे बहुत सारे स्टार्स है ना, तो हम स्टार की स्पेलिंग एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ लास्ट में एस एड करेंगे, STARS। अभी एक ट्री है तो ट्री की स्पेलिंग क्या है, TREE। अभी आप उसकी दूसरे इमेज में देख रहे हो वहां पे बहुत सारे ट्रीज है तो हम लिखेंगे TREE ट्री, वैसे ही सेम एज इट इज स्पेलिंग लिखेंगे, बस लास्ट में एस एड करेंगे टू शो मेनी ट्रीज। अभी एक डॉग है तो DOG डॉग लिखा है। अभी उसके नेक्स्ट इमेज में बहुत सारे डॉग है ना, तो डॉग की स्पेलिंग लिखेंगे और लास्ट में एस एड करेंगे, तो दैट इज डॉग्स। Now there is only one egg. On the another hand there are many eggs. So we will write eggs. We will add s at the ending point. Now there is only one pen. So PEN pen. जब आपके सामने बहुत सारे pens दिखाई दे रहे तो we will write PENS pens. Ring है, एक ही ring है तो RING ring. जब बहुत सारे ring है तो RINGS rings. Bulb BULB bulb. तो अगर आपके अनदर साइड में बहुत सारे बल्ब्स है ना तो वी विल एड देयर एस, BULBS बल्ब। ओके, आपको बस क्या करना है, एक वर्ड दिया रहेगा, अगर आपको उसी मतलब उसी ऑब्जेक्ट का बहुत सारा शो करा है तो आप वही स्पेलिंग एज इट इज लिखना है और लास्ट में एस लिखना है। ओके, बाय।